हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे और निरंतर स्वस्थ रहने के लिए आप कुछ ना कुछ योग प्राणायाम भी कर ही रहे होंगे। और जैसा कि आजकल का चल रहा है जो प्रोटोकॉल है कि कहीं भी आप जाने से पहले मास्क पहनिए, हाथ धोइए, बार बार निरंतर अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और यदि किसी भीड़ में या कहीं जा रहे हैं, आप जाना पड़ रहा है, तो आप लोग मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और 2 गज़ की दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं, तो अभी जो आज का हमने सेशन का जो विषय रखा है वो है योग और मानसिक स्वास्थ्य। तो जो हम अपने आप को यदि देखें कि जो शरीर है, ये दोनों ही चीज़ें जो है ये शरीर के अंदर है, हमारा जो मन है वो भी शरीर के अंदर है। तो शरीर और मन, इन दोनों को ही स्वस्थ रखना एक हमारा एक दायित्व है, एक हमारी जिम्मेदारी है। ज़्यादातर हम लोग जो चीज़ दिखती हैं हम उन्हीं की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे हमारा कोई शरीर है, वो यदि कोई अगर उसमें परेशानी है तो हम उसी को ध्यान देते हैं, उसके कहीं दर्द है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, बुखार है तो उसकी दवाई वही लेते हैं। तो कभी कभी, लेकिन जो देखिए कुछ प्रभाव जो दिख जाता है शरीर पर, उसका तो उपचार कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर मन पर जो प्रभाव चल रहा है, जो मन पर जो परेशानियाँ चल रही हैं, वो जो हमारे पूरे शरीर को भी प्रभावित करती हैं, तो हम उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अब जो है वो ज़रूरत है कि हम दोनों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ज़्यादातर जो रोग हैं वो शरीर को कम से कम है, बल्कि मन से ज़्यादा है। यानी यदि आपका मन से बीमार है तो मन से जो प्रभावित आपका तन भी होता है। और मन हम लोगों का बना होता है हमारे जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, जो हमारे अंदर जो विचार हैं, जो किसी के प्रति अच्छे या बुरे विचार हैं, और वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हैं, उसकी वजह से जो है हमारा मन प्रभावित होता है। तो हम इस मन को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे सुखी रखें, कैसे हम इसमें अच्छे विचार लाएं, तो इसके लिए हमें बहुत इस समय ध्यान देने की आवश्यकता चल रही है। वैसे तो हमेशा यही कहा गया है कि कहते हैं कि रोग ग्रसित मानवता को है उसको उपचार की, लेकिन तन से ज़्यादा आवश्यकता है मन के उपचार की। तो हम इसको, मन को हम अकेला हम छोड़ नहीं सकते, जबकि ज़्यादातर जो भी पहले काम आता है, जो विचार आते हैं, वो पहले हमारे मन में आते हैं। मन में आने के बाद ही हमारे शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है। तो जो जड़ है, जो बीज है, हम पहले उसी को क्यों ना ध्यान दें, है ना, कि जो कि मूल उसका प्रभावित करने का एक मूल कारण है, तो उसकी तरफ हम पहले हम क्यों ना ध्यान दें। हम बहुत तरह की बातें तो करते हैं, शिकायतें करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम अक्सर दूसरे को देख के हम जो है वो जलते हैं। तो वो जलते हैं, तो जलने से क्या आपको कोई उससे कुछ लाभ तो मिलेगा नहीं, आप बल्कि हानि ही आपको मिल सकती है, क्योंकि वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी तो आपके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा होगी, आप दुखी होंगे, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और करने की जो बात है जहाँ वो आप उसको भूल जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं हमारे पूरे जो शरीर को। और इसीलिए कहते हैं ना, एक अच्छे विचारों की सेना हमें तैयार करनी होती है बुरे विचारों से लड़ने के लिए। अभी सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलता है और आप देखते हैं तो हम सतर्क बहुत रहते हैं बाहर की चीज़ों से, कि हमें एक्सीडेंट ना हो और हम जो है वो कहीं हमें चोट ना लगे। तो वो सतर्कता ज़्यादातर उसी विषय में हम सोचते हैं, लेकिन हम ये सतर्क नहीं होते कि हमारे अंदर जो विचारों का एक ट्रैफिक चल रहा है उसमें कैसे विचार चल रहे हैं, उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, निर्ध्यान रहते हैं उसकी तरफ से, उपेक्षित हम उनको करे रहते हैं। कि वो जो एक भीड़ है, वो जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो किस तरह के हैं, जो हमारे पूरी व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम उसकी तरफ भी हमें सतर्क रहने की, जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं, मन से फिर तन को प्रभावित करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पूरे समाज को, परिवार को, सबको प्रभावित करते हैं।
तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास जो लोग हैं उनको हम ऐसे व्यक्तियों से ही संपर्क रखें ज़्यादातर, जो अच्छे विचारों के हैं, जो अच्छा सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो खुश रहते हैं, उनसे हम संपर्क में रहें। और जो ज़्यादातर नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हमेशा ही हर चीज़ में नुक्ताचीनी, कमियाँ, कॉम्प्लिकेशंस है ना, कंप्लेंट्स वो रखते हैं, तो उनसे हम एक तरह से बचने का प्रयास करें। बच नहीं सकते तो हम उनसे प्रभावित ना हो, सुने, ठीक है, सुन रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, समाज में हैं, तो हमें सुनना है और व्यवहार करना है, लेकिन हम उनसे बिना अपने आप को प्रभावित किए हुए हम रहें, क्योंकि उससे हमारे मन की शांति भंग होती है। और मन की शांति हम कहीं बाजार से नहीं खरीद सकते। हम सोचें कि वहाँ दवाई है, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से हम ले आएँ वो उतने में और हम शांत रह लें, तो नहीं, मन की शांति हम कहीं से नहीं खरीद सकते, कहीं कोई हमें ऐसे प्रदान नहीं कर सकता, हमको स्वयं ही उसके लिए अपने ऊपर काम करना होता है। और मन की शांति के लिए हम ही देखिए ना, हमारे घर में प्रार्थना, उपासना, भजन, कीर्तन, हवन, यज्ञ ये होते हैं ना, इससे एक वातावरण प्रभावित होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हम लोग उससे एक पॉजिटिविटी का वातावरण एक तैयार होता है और हम उससे मन में शांति, खुशी, एक बड़ा उमंग सा बना रहता है। तो एक तो हो गई प्रार्थना, उपासना, साधना, दूसरा हो गए हमारे पास आसपास एक स्वाध्याय का हम ज़रूर प्राविधान रखें, कुछ ना कुछ हम अच्छी पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। अध्ययन तो करते हैं, स्टडी करने की अलग बात है, सब्जेक्ट की, कोर्स की, आपको कुछ वो पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन स्वाध्याय का मतलब होता है आप उन पुस्तकों से, रूटीन की पुस्तकों से अलग हटके कोई अच्छे विचार वाली कोई भी सदग्रंथ पढ़ें, गीता है, रामायण है, और नहीं तो बहुत ही अच्छी पत्रिकाएं, धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिकाएं चल रही हैं, उनको आप ज़रूर एक लेख पढ़ें, और नहीं तो पेपर में, न्यूज़पेपर में भी एक ज़रूर एक अच्छा लेख आता है, उसको आप देखें। जहाँ से भी मिल पाए आप एक स्वाध्याय का जरूर प्रबंध रखें अपने यहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो हम जैसा जैसा देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर हमारे पास अच्छा साहित्य होगा तो हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो हमारी जो पूरी पुरानी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होके और हम उस अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। तो ये एक आदत हमें बना लेनी चाहिए। और चूंकि हम संसार में हैं तो परेशानियां हमारी निरंतर आती रहेंगी, आएंगी, और उसको हम जब हम शांत होंगे तभी हम उसका समाधान खोज सकेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने सारे हमारे पास एक साथ कष्ट आ गए, हम क्या करें ऐसे में, तो सबसे अच्छा होता है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर जिसने संसार को बनाया है, जिसने ठेका लिया है सबका। हम किसी का, हम सोचें वो दुखी है, हम उसका कुछ कर पाएँ, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसको सुखी नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस पर कृपा ईश्वर की नहीं होगी या उसका अपना अच्छा काम उसको नहीं आगे उसका फल मिलेगा। हम किसी के लिए, हम अपने लिए ही कर लें, यही बहुत है। तो हम अपने आप को समर्पित करके और प्रार्थना करें भगवान से, तो और यही सोचें कि ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है ना। एक भजन की लाइनें हैं, ये दो लाइनें ही अगर आप मन में गाएं, स्मरण कर लें, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। यदि हम यही सोच लें कि हम क्यों डरें भाई, हमारे साथ हमेशा भगवान है, परमपिता परमेश्वर, वो हर जगह विद्यमान है, वो हर हमारी गतिविधि को देख रहा है, हम पर निगाह रखे हुए है, तो हम कौन है जो हम उसके ऊपर हम कष्ट में रहें और उसके ऊपर हम समर्पित अपने आप को करें और हम इन सब परेशानियों से निजात पाएं। फिर आपका आता है आपका योग, व्यायाम, प्राणायाम, ये तो आप निरंतर करें ही, करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम हमारे अंदर एक जो हार्मोन्स हैं, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर एंडोर्फिन है, डोपामाइन है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम योग प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, हमें खुशी मिलती है।
और एक जब हम गुस्सा होते हैं, क्रोधित चिड़चिड़े होते हैं, तो एक कार्टिसोल नाम का एक जो हार्मोन है, वो गंदा हार्मोन है, वो बुरा हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है। तो हमें उसको पैदा होने नहीं देना है। वो पैदा कब होगा? जब हम गुस्से होंगे, चिड़चिड़े होंगे, दूसरे के ऊपर गाली गलौज पर परेशान होके, और अपने आप को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, है ना। तो वो उसको हमें उस समय उससे दूर रहना है। और देखिए, आप जब गुस्से में होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, तो आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी आप बढ़िया हो, गोरे चिट्टे हो, लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं, तो आप अपना जरा शक्ल कभी आईने में देखेंगे तो कैसी लगेगी, कितनी बुरी लगती है। तो जब आप ये देख लेंगे कि अरे मैं गुस्सा करने में कितना बुरा लगता हूँ या लगती हूँ, तो आप गुस्सा पर नियंत्रण करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर दूसरा, आपके मन में जैसे भाव आ रहे हैं, मान लीजिए आप निरंतर मन में यही भावना करते रहे, मैं ऐसा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं आलसी हूँ, मेरे को सब डांटते हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे को याद भी नहीं रहता, तो वैसे ही आपके अंदर फिर सिक्रीशंस होते हैं। फिर आप उस वो आप ये क्यों सोचते हैं? क्या आप ये सोचने से आपको क्या मिल जाएगा? जब ये नहीं मिलेगा, और हम सोचना ही है, तो हम अच्छा क्यों ना सोचें कि नहीं, मैं, मेरे पास सब कुछ है, जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे सब सुविधाएं हैं, मुझे सारे शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, ध्यान रखते हैं मेरा, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, समय देना है, तो जो दूसरा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो आप ज़रूर वो काम कर पाएंगे। तो हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है वो उत्पन्न होती है हमारी मानसिक शक्ति के बल पर। मन हमारा पॉजिटिव है, मन हमारा शक्तिशाली है, मन में हमारे अच्छी भावना है, मन में हम अच्छा विचार रखते हैं, सोचते हैं कि हम ये अच्छा कर पाएंगे, तब हमारा शरीर भी उसी तरफ की तरफ चलने लगता है, उसी काम में लग जाता है। और हम मन से ही निराशावादी, चिड़चिड़े, कुढ़े हुए, जलन से, द्वेष से प्रेरित हैं, तो हमारे अंदर कभी भी जो है अच्छी काम करने की प्रेरणा नहीं आएगी। तो जैसा हम और फिर जैसा हम सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। तो हम क्यों ना अच्छा सोचें, मन से हम क्यों ना स्वस्थ हों, मन से हम क्यों ना खुशी हों। दूसरा उसके बाद आता है कि हम भोजन, अपना डाइट अच्छी रखें, अच्छा खाएं पिएं, फल फ्रूट दही दूध, है ना, जो दैनिक जीवन में जो आजकल सीजनल जो चीज़ें हैं उपलब्ध हैं उनको खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे स्वस्थ रहने के लिए आप काजू बादाम किशमिश अखरोट यही खाएं, महंगी चीज़ें खाएं। मूंगफली, साधारण मूंगफली में भी उतने ही फायदे होते हैं जो बादाम में है। दलिया में भी वही फ़ायदा होता है जो आप कोई पनीर और जो महंगी चीज़ें आप लेना चाहेंगे। आप लीजिए, पनीर भी लीजिए, कभी कभी पनीर भी अच्छी चीज़ है, खाइए। लेकिन आप ये सोचें कि हम नहीं ले सकते तो हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके जो घर में ही चीज़ें इतनी हैं, पौष्टिक चीज़ें हैं, उनको आप रोज़ खाएँ, निरंतर खाएँ, पका के और अच्छे वातावरण में खुशी खुशी रह के खाएँ। गुस्से में आप ना करें भोजन, ये नहीं चिड़चिड़ा रहे हैं क्या बना लिया मम्मी, रोज़ यही बना लेती हो, ऐसा ना करके आप जो भी मिले सामने उसको अच्छे रूप में, अच्छे विचार रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए कि इस खाने से हमको बहुत बल मिलने वाला है, बहुत पौष्टिक हम भोजन कर रहे हैं, हमें शक्ति मिलेगी और हम मजबूत होंगे। तो ये चीज़ें, तो डाइट है, व्यायाम है, अच्छी सोच है, अच्छा स्वाध्याय है, ये सब हमें मानसिक स्वास्थ्य हमें दिलाता है। और ईश्वर को तो ज़रूर हमें हमेशा याद रखना है, उनसे हमेशा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमें अच्छे मार्ग पर चलाओ। और इसीलिए हमने आपको गायत्री मंत्र भी सिखाया है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद।